सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने तलाक को लेकर एक नया और बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी पति पत्नी को बिना फैमिली कोर्ट के सीधे तलाक मंजूर कर सकता है। खंडपीठ ने कहा कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब पति पत्नी के बीच सुलह की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हों और उनके बीच रिश्ते को फिर से शुरू करने की कोई भी गुंजाइश बची ना रह गई हो। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में तलाक के लिए इच्छुक दंपत्ति को अब 6 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। जस्टिस एसके कॉल की अगुवाई में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमने माना है कि रिश्तों में सुधार की गुंजाइश खत्म हो चुके और विवाह टूट चुके मामलों में यह अदालत किसी भी विवाह को भंग कर सकती है। ये सार्वजनिक नीति के विशिष्ट या मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2014 में दायर किए गए एक मामले से जुड़ा है। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले में दोनों पक्षों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से तलाक मांगा था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।